वंदे बोधमयमनित्यं गुरुर्शंकरो पिणं यमा श्रुतोवक्रोऽपि चंद्रो सर्वत्र वन्दते शौर्यपुत्रो दृग्देहि विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचारु प्रश्नार्थं पीड़ाहरतं मे शनि ॐ शं शनेश्वराय नमः ॐ शं शनेश्वराय नमः नमो नारायण। 4 जून 2015 और गुरुवार का दिन है और गुरुवारी में हर रोज की तरह खुशियों का खजाना लेकर आज भी मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। जरा सा मुस्कराइए और इन आंखों में देखिए और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिए। जिनकी संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा अनुकूल लगेगी। उसमें सारे उपाय हैं क्योंकि जितनी मेल और जितने पत्र और जितने फोन कॉल आते हैं इतना मैं जवाब दे नहीं पाता और व्यापारी मैं हूं नहीं। तो घर बैठे दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली बना लीजिए। सब जगह नहीं पहुंच पाता, सैकड़ों बेटियों का पिता हूँ, हजारों गायें हैं, उनकी सेवा में लगा रहता हूँ। घर बैठे दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली मंगा दीजिए, उसमें सारे उपाय आपको मिल जाएंगे, हर ग्रह के उपाय मिलेंगे, हर तरह की जो आप सलाह चाहते दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली में है, घर बैठे मंगवा दीजिए। 9906920001 इस पर आप SMS करिए या फिर saturnpublication@gmail.com इस पर चले मेल करिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप लोग चाहते हैं कि दाती महाराज हमें वो जो उपाय आप बताते हैं वो कैसे प्राप्त करें, जो उपाय मैं बताता हूँ यदि आप ये उपाय आप घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पर SMS करके दाती उपाय खंड, ये 9 खंडे अद्भुत है, इसमें घर बैठे मंगा दीजिए। अद्भुत देसी नुस्खे, दाती गुरु मंत्र के अद्भुत देसी नुस्खे अद्भुत है, उसमें सारे छोटे छोटे आपको नुस्खे मिलेंगे जो जीवन में बड़े काम आएंगे, घर बैठे मंगा दीजिए। बहुत किताबें लिखी है मैंने, ताती अनुभव प्रकाश, लाली मेरी लाल की, ये घर है प्रेम का, प्रेम ने बारी उपजे, बूंद समाना समुद्र में, ये समुद्र समाना बूंद में, खुला आमंत्रण, अस्तित्व की खोज समाधान, हो कौन जानो कैसे जाओगे कहाँ, देवादेव शनिदेव को लेकर बहुत लिखा, आयुर्वेद भी बहुत लिखा, ज्योतिष पे लिखा, योग पे लिखा, घर बैठे सारा साहित्य आप मंगा सकते हैं। इसके लिए www.shanidham.in पे भी जाएंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। कल मैंने यदि जातक की जन्मकुंड में भगवान चंद्रदेव शुभ है तो और शुभता बढ़ाने के लिए उपाय, आज यदि निजगत कर्मों की वजह से यदि आपकी जन्मकुंडली में भगवान चंद्रदेव या चंद्रमा जो भी आप ग्रहों के हिसाब से बोल सकते हैं अनुकूल नहीं है, उसको अनुकूल कैसे करें मैं ये उपाय बता रहा हूं। यदि जातक की जन्मकुल में चंद्रमा अनुकूल नहीं है तो सोमवार के दिन ये पूजा प्रारंभ करें, लगातार 108 दिन करें, जल का दान देके देगी अद्भुत रहेगा, प्याऊ की व्यवस्था कर दीजिए, गायों को जल की व्यवस्था कर दी। पानी की जितनी जितनी आप सेवा कर सकते करिए, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। लगातार 11 सोमवार 5, 7 या 9 या 21 कन्याओं को घर बुलाई और अपने हाथ से भोजन करें। भोजन में दूध और खीर जरूर होनी चाहिए, अद्भुत है। जिस देवता को आप मान रहे हो, जिसकी पूजा जिस करते हो, चांदी की मूर्ति बनाकर अपनी पूजा स्थान के ईशान कोण में रख दीजिए या इसको दान में दे दीजिए। यदि अनुकूल चंद्रमा नहीं तो अपने पूजनीय देवता की चांदी की मूर्ति बनाकर किसी मंदिर या किसी पुजारी को दान में दे दीजिए, बड़ा शुभ रहेगा।
अमावस्या की रात्रि में सफेद सीपी सफेद संक में या चावल से दाने भरकर सफेद कपड़े में लपेटकर बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। किसी ने भी कहा है कि आपका चंद्रमा अशुभ है, जबकि अशुभ कर्म होते हैं। तो जातक, दूध दही सफेद वस्त्रों का दान गरीब निर्धन विधवा स्त्री को करके देखिए, अद्भुत मिलेगा। और हर रोज माता या माता तुल्य स्त्री का चरण स्पर्श करना, चंद्रमा अनुकूल में बहुत सहयोग मिलता है। ये छोटे छोटे उपाय आप करके देखिए, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। और मेरा काम भी तो यही है कि आपके जीवन में खुशियाँ आए, इसलिए सर्वप्रथम इन आँखों में देखिए। इन आँखों में देखते हुए अपलक ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिए। देवादिदेव शनिदेव मेरे आराध्य हैं, और मैं कहना चाहता हूँ कि वो कर्म के दाता है, भाग्य विधाता है, आनंद के जीवन की संपूर्ण समग्रता और प्रेम का मालिक है देवादिदेव शनिदेव। उनकी आराधना करिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा और आप खुशियों का उपभोग कर सके, आपका घर का वातावरण खुशियों से भरा रह सके, आपके कैरियर कारोबार परिवार में खुशियां आ सके। गुरुवाणी लेके आए, और आज भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कैसे करें वो बताऊंगा। वो पूजा और वो मंत्र, जीवन मंत्र, ऋण से छुटकारा नहीं मिल रहा हो, अद्भुत उपाय, व्यापार में उन्नति की सलाह, वास्तु सलाह, विशेष सुझाव, कील मुहासे है तो राहत पाने के लिए देसी नुस्खे और धन बरसे उपाय। लेकिन उससे पहले गुरुवार का पंचांग बहुत जरूरी है। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की द्वितीय, विक्रम सम 2072 और आषाढ़ मास की 21 प्रविष्ट है, शक सम 1937, ज्येष्ठ 14, तद अनुसार गुरुवार 4 जून सन 2015। और गुरुवार का पातकालीन नक्षत्र, मूल नक्षत्र चंद्रमा धनु राशि में, और गुरुवार का राहु काल दोपहर 1:30 बजे लेकर 3 बजे तक। राहु काल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया, ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। और बात करते गुरुवार की यात्रा की, पूर्व दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय रही। मैं कहता हूँ चारों दिशाओं में यात्रा करें। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में कमल या गुलाब के पुष्प भेंट करके चीरा चबाते हुए यात्रा पर निकल जाइए, यात्रा में कष्ट कम आएगा। और बात करते जिनका आज जन्मदिन है, जिनकी शादी की सालगिरह, 4 जून आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 4 जून आपका जन्मदिन, और निजगत कर्मों की वजह से आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ा, अचानक कार्य में उठापटक शुरू हो गई, आप करने कुछ जाते हो कुछ जाता, करने जाते अच्छा हो जाता है बुरा, कारोबार में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना, घर में कलह है, कैरियर में उठापटक है, नौकरी में परेशानी है। तो मैंने ये देखा है कई बार कि जातक का पिता जीवित है तो उस व्यक्ति को गले में सोने की चैन धारण नहीं करना चाहिए, ऐसा लाल किताब कहती है, और इसका प्रणाम भी मैंने देखा है। अनजान अजनबी लोगों के साथ कारोबारी संबंध न बनाए और नहीं उस पर विश्वास करें। किसी भी गुरुवार के दिन श्रद्धा अनुसार चने की दाल, साबुत, हल्दी, पीले कपड़े में बांधकर मंदिर में दान दे दें। लेकिन गुरुवार के दिन लहसुन, लाल मसूर और प्याज का सेवन नहीं करें तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। कैरियर कारोबार परिवार संपूर्ण समस्याओं को निवारण के लिए निर्धन बेसहारा जरूरतमंद गरीब लोगों को प्यार का व्यवहार करें, उनसे आशीर्वाद लें, उन्हें भोजन कराएं, उन्हें कभी नाराज नहीं करें, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं गुरुवार के जीवन मंत्र की। जो कहता हूं ना, यदि ये आपके समझ में आ जाए, जीवन मंत्र में यदि मैं कुछ कहता हूं या मैं जो संदेश आपको देता हूं या थोड़ी देर के लिए जो सत्संग करता हूं, यदि आप एक बात भी मेरी जीवन में उतार देते हो तो जीवन की दशा ही कुछ और रहेगी। क्योंकि मेरे पास गुरु महाराज जी की कृपा का प्रसाद है और वही बांटने आता हूं। किसी ने कहा कि दाती महाराज, इस संसार में सबसे सुखी इंसान कौन है? अरे भाई, इस संसार में सबसे सुखी इंसान वो है जो अपने साथ रहता है।
क्योंकि जो व्यक्ति अपने साथ रह सकता है वही दूसरों के साथ रह, जिसका अपने से संबंध है वही दूसरों से संबंध स्थापित कर, जो अपने से प्रेम करता है वो दूसरों से प्रेम कर सकता है, ध्यान रखें। या फिर जिसे सोने के लिए कभी नींद की गोली नहीं खानी पड़े, जिसे जगाने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं पड़े, वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। जो जीवन भर अपना फर्ज निभाता है लेकिन किसी का कर्जदार नहीं है, वो है इस संसार में सुखी। जो व्यक्ति अपनी मेहनत पर भरोसा करता है वो है सुखी इस संसार में। जो हर परिस्थिति में मुस्कुराता है वो है सुखी। लेकिन आजकल तो संपन्न घरों में सब लूले लंगड़े हो गए हैं, हर काम के लिए उनको नौकर चाहिए, हर काम के पूजा भी नौकरों से कराने लग गए आजकल तो, पैसा देके कराने लग गए आजकल, पानी पिलाने के लिए तक नौकर चाहिए, खाना बनाने के लिए नौकर चाहिए, झाड़ू पोछा के लिए नौकर चाहिए। जिन्होंने हमें संसार में ले आया, हमारे लिए भगवान ने, हमारे माँ बाप, उनकी सेवा के लिए नौकर चाकर चाहिए, बच्चों की सेवा के लिए नौकर चाहिए। बड़ा कड़वा बोलते हैं संत, लेकिन प्रणाम करता हूँ संतों को। संत बड़े कठोर जरूर है लेकिन उनकी वाणी जीवन में परिवर्तन कर देती है। ये नौकर रखने की आदत इतनी बुरी होगी, कहीं ऐसी आदत नहीं हो जाए, क्षमा करिएगा दाती महाराज, मर्यादित है, लेकिन क्योंकि विषय ऐसा है इसलिए मैं कभी अनर्गल बयानबाजी नहीं करता हूँ। क्योंकि नौकर रखते 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 आदमी की आदत पड़ गई, कहीं ऐसा नहीं कि प्यार करने के लिए भी कहीं नौकर रख ले और तुम्हारा बर्बादी तुम्हारी शुरू हो जाए, इसका अंजाम तुम्हें सोचना होगा, आपको सोचना पड़ेगा कि आप बुद्ध की संतान है या फिर आप बुद्ध है। स्वयं सोचिए, किसी और को मत कहिए, मैं भी स्वयं सोचता हूँ और आपको भी स्वयं को सोचने के लिए मजबूर करने के लिए इतना कड़वा भी बोलता हूँ भाई। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर भगवान श्री हरि विष्णु को मनाने की पूजा और मंत्र बताऊंगा। नमो नारायण, नमो नारायण। क्या आपका कारोबार नहीं चल रहा है? क्या अपनों का सुख नहीं मिल रहा है? या कैरियर और नौकरी में आप परेशान हैं? क्या संतान सुख नहीं है? क्या आपकी शादी नहीं हो रही है? क्या व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है? या दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है? इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान है श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर में। दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका, जो आपके हर कष्ट को हरेगी, क्योंकि दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका में लाल किताब रत्न विचार, काल सर्प मांगलिक विचार, साढ़े साथी आदि के उपाय कब और कैसे करें इसकी पूरी जानकारी है। आपके जीवन में आप कैसे उन्नति की राह की ओर बढ़ सकते हैं इसका भी उपाय इस जन्म पत्रिका में निहित है, क्योंकि आपके जीवन के संपूर्ण कष्टों का निवारण है दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका। इसको पाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 0991069200, 0941412460, 0971745765 एंड 0112665300। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है www.shanidham.in। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या प्रयासों के बावजूद धन की प्राप्ति नहीं हो रही है? क्या धन रुकता नहीं है? या पारिवारिक सुख नहीं है, या संतान का सुख नहीं, या संतान की शादी नहीं, या शादीशुदा जिंदगी में स्नेह नहीं है, हमेशा क्ले है, तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिए, कल्याण रहेगा। ऋण ऋण से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, दो उपाय व्यापार में उन्नति के लिए सलाह, वास्तु सलाह। आज का विशेष सुझाव कील मुआसे है तो राहत पाने के लिए देसी नुस्खा और धन वर्षे उपाय। लेकिन यदि प्रयासों के बावजूद भी राह नजर नहीं आ रही हो, अपने पराये जैसा व्यवहार कर रहे हो और कैरियर और कारोबार और नौकरी और परिवार में सब जगह निराशा हासिल होती हो,
भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने से इस संपूर्ण निराशा से मुक्ति मिलेगी, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। गुरुवार का दिन है आज, और वो गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। आज के दिन ये पूजा प्रारंभ, लगातार 40 गुरुवार करें, नित्य कर्म नियोग स्नान उपरांत अपनी पूजा स्थान भगवान श्री हरि के सामने श्रद्धापूर्वक गाय का घी का दीपक जलाए, शुद्ध मिट्टी के पात्र में श्रद्धानुसार गाय का देसी घी भरकर श्री वृग के सामने रख दीजिए, शुद्ध आसन पर बैठ जाइए, शुद्ध वस्त्र धारण करिए, तुलसी की मात्र ओम ऋषिकेशवाय नमः इस मंत्र की 11 माला जाप करिए। पूजा के उपरांत जो प्रभु को घी का भोग लगाया है, निर्धन गरीब स्वागन स्त्री को श्रद्धापूर्ण दक्षिणा के साथ दान में दे दीजिए। संपूर्ण परेशानियां, कष्ट, दुख, पीड़ा, तकलीफ और छुटकारा मिल जाएगा, घर में सुख शांति आएगी, पारिवारिक के सभी सदस्य निर्गोर रहेंगे, निरोग रहेंगे। अद्भुत है पूजा, नमो नारायण। कुछ लोगों ने कहा कि इस ऋण से, इस कर्जे से कैसे मुक्ति मिले, ताते पाव पसारिए जाते लंबी सौर, तो कर्जा कभी होगा ही नहीं, यह है मुक्ति का उपाय। और आप पूजा जानना चाहते हो तो यदि आप कर्जे से ग्रसित हैं और इसका दबाव लगातार आप पर बढ़ता जा रहा है, हर समय चिंता और परेशानी रहती है, तो रिक्त तिथि यम घंटक काल भद्रा और राहु काल को त्याग कर शुभ तिथि शुभवार में ये प्रयोग करें। 1.5 मीटर सफेद कपड़ा चौकी पर बिछा दीजिए, पूर्व में मुंह कर दीजिए, 5 बूंदी के लड्डू, 5 चुटकी काले तिल, 5 गुलाब के पुष्प, 5 तांबे वाले छेद के सिक्के, 5 गोमती चक्र, 5 कौड़ियां इस कपड़े में बांधकर पोटली बना लें, चौकी पर शुद्ध वस्त्र बिछाकर पोटली को रख दें, जल गंगा जल का छीटा दे दीजिए, सदाप्र पंचोपचार पूजन कर दी, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित कर दीजिए, सुदासन पर बैठ ओम श्री ह्रीं माँ लक्ष्मी नमः, ओम श्री ह्रीं माँ लक्ष्मी नमः इस मंत्र की 11 माला जाप करें। पोटली को 7 बार अपने ऊपर उसाकर गंगा यमुना या किसी सरोवर या किसी बहते पानी में प्रवाह करें, ऐसा 11 बार करिए, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, आर्थिक व्यवस्था में सुधार होगा, जिससे आपकी ऋण की मुक्ति की संभावना नजर आएगी। नमन, कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज व्यापार के उन्नति में और क्या करें, यदि आप व्यापार में उन्नति करना चाहते हैं, व्यापार में घाटा हो रहा है, तो रविवार के दिन प्रदोष काल में अपनी पूजा स्थान के ईशान कोण में संपूर्ण श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, सर्व कष्ट निवारण यंत्र और भगवान शनिदेव का शनि यंत्र स्थापित कर दीजिए। हर रोज सुबह शाम घी और तेल का दीपक जलाएं, ओम श्री महालक्ष्मी नमः 108 बार और ओम शम शनिश्चराय नमः 108 बार जाप करिए, धीरे धीरे व्यापार में लाभ मिलेगा। नमनन, और बात करते हैं वास्तु सलाह की। नींव की खुदाई का काम एक तरफ से यदि शुरू करना तो ईशान कोण से शुरू करिए और वायु कोण की ओर जाए, यदि दूसरी तरफ से शुरू करना है तो ईशान कोण से शुरू करिए और अग्नि कोण की ओर जाए, इसके बाद वायु कोण से खुदाई शुरू करें और नेत्र कोण तक जाए और अंत में आग्नेय कोण से शुरू करके नेत्र कोण पर समाप्त कर दीजिए। नींव की भराई का कार्य पहले नेतृत्व से वायु की ओर करें और फिर आग्नेय से ईशान की ओर करें, अंत में वायु से ईशान कोण की ओर करेंगे तो घर बहुत जल्दी बनेगा और तकलीफ नहीं आएगी। नमनान, और बात करते हैं गुरुवार के सुझाव की। घर के सुख समृद्धि के लिए आज के दिन नित्य कर्म नियोग स्नान उपरांत उत्तर पश्चिम कोण में चमों का घी का दीपक जलाए और किसी मिट्टी के पात्र में शवक के लोग भरकर रख दे, दूसरे दिन प्रातःकाल बिना बोले ये गेहूं पक्षियों को डाल दे, बहुत लाभ मिलेगा। नमनन, और बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खों। नुस्खे इसलिए बताता हूं कि भारतीय सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर है, लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूर लें, इस बात का भी ध्यान रखें। यदि कील मुहासे हैं तो राहत पाने के लिए 1 तोला मलाई में 1/4 नींबू निचोड़ कर प्रतिदिन चेहरे पर लगाएं, 1 तोला मलाई लगी उसका 1/4 हिस्सा नींबू निचोड़ कर अच्छी तरह मिक्स करके आप चेहरे पर लगाएं, चेहरा एकदम चमकेगा और मुहासों से छुटकी मिल जाए, अद्भुत इसे छुटकारा मिल जाएगा। चेहरे पर कील है, मुहासे हैं, दाग है, धब्बे हैं, इस समस्या से निजात पाने के लिए मूली का नियमित सेवन करिए, त्वचा की खुश्की को खत्म कर देगा और ये मुआसे दूर हो जाएंगे। नमो नारायण, और बात करते हैं गुरुवार के धनवर्ष उपाय की। संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भाग्य आपके पक्ष में करवट नहीं ले रहा है तो ये उपाय आपके लिए रामबाण होगा। ये उपाय किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीया के दिन प्रारंभ करें और लगातार 43 दिन करें। हर रोज नित्य कर्म नियोग स्नान उपरांत अपनी पूजा घर, अपने व्यवसायिक स्थल, अपनी दुकान
में पूजा करते, सात मुठ्ठी लाल साबुत मसूर की दाल ढेरी बनाकर उसके उसके पास सदानुसार सात डली गुड़ रख दे, ढेरी के ऊपर तिल का तेल का दीपक प्रज्वलित करे, सदानुसार दक्षिणा दीपक के पास रख दे, तस्पर अपने अपने कार्य में आप लग जाए, दीपक जलता रहे, जब दीपक शांत हो जाए, तेल शांत हो जाए, दीपक बुझ जाए, दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे रख जाए, साबुत लाल मसूर की दाल गुड़ दक्षिणा अपने ऊपर सात बार उतार कर सफाई कर्मचारी को दान में दे, अवश्य धन की प्राप्ति। अब समय छोटा सा ब्रेक का है और ब्रेक के बाद प्रभु के दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। नमो नारायण। मातृत्व नारी जीवन का सौभाग्य है। नारी के जीवन में मातृत्व ही वह अवसर होता है जब वह अपनी वात्सल्य शक्ति से इस धरती पर आने वाले जीव को सशक्त एवं स्वस्थ तन, प्रसन्न एवं समृद्ध मन तथा पावन जीवन से संपन्न करती है। माँ की ममता, माँ की सेवा, माँ की कुर्बानी तथा माँ के मार्गदर्शन से ही मनुष्य अच्छे बुरे का अंतर जान पाता है। परंतु दुर्भाग्य देखिए, जिस भारतवर्ष में नारी को महादुर्गा, महालक्ष्मी एवं माँ सरस्वती के रूप में पूजा जाता है, उसी नारी, उसी जननी की समाज में अनदेखी के कारण प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है। मातृत्व का आनंद, मातृत्व की अनुभूति एवं मातृत्व का एहसास किए बिना वह दुनिया से चल बसती है। कारण गर्भावस्था के दौरान उसका उचित इलाज नहीं हो पाता, अतः लगातार बढ़ती मृत्यु दर को रोकने, उस पर लगाम लगाने के उद्देश्य से राजस्थान के जिला पाली में एक अनूठी योजना संचालित की जा रही है। श्री शनिधाम ट्रस्ट के प्रणेता शनि चरणानुरागी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती महाराज के सानिध्य में जिला प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से दाती मातृत्व बीमा योजना का संचालन हो रहा है। दाती मातृत्व बीमा योजना के अंतर्गत प्रसव से पूर्व महिला की मृत्यु पर उसके परिवार को 25,000 रुपए का राष्ट्रीय बचत पत्र प्रदान किया जाता है। प्रसवोपरांत मृत्यु एवं संतान जीवित कन्या है तो उस कन्या के नाम उसके पिता के माध्यम से क्रमशः 21,000 एवं 25,000 रुपए के दो राष्ट्रीय बचत पत्र प्रदान किए जाते हैं। प्रसव के पश्चात महिला की मृत्यु तथा संतान जीवित पुत्र होने की स्थिति में पुत्र के नाम उसके पिता के माध्यम से 5,100 तथा 25,000 रुपए के दो राष्ट्रीय बचत पत्र प्रदान किए जाते हैं। यदि प्रसव के पश्चात जच्चा बच्चा दोनों की मृत्यु हो जाती है तब उसके परिवार को 25,000 का राष्ट्रीय बचत पत्र प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त बेटी बचाओ तथा मातृ मृत्यु दर पर नियंत्रण के क्षेत्र में काम करने वाले कार्मिकों को भी नकद उपहार एवं अन्य सामान देकर सम्मानित किया जाता है। परंतु यह ध्यान रहे कि इस योजना का लाभ उन महिलाओं को ही मिलता है जिनका विवाह 18 वर्ष बाद हुआ है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु महिला को गर्भधारण के 12 सप्ताह के भीतर किसी सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त अस्पताल में पंजीकरण करवाना भी अनिवार्य है। गर्भवती महिला की नियमित जांच एवं सभी प्रकार के टीके लगवाना भी अति आवश्यक है। दाती मातृत्व बीमा योजना के अंतर्गत महिला तथा उसके परिवार से कोई राशि नहीं ली जाती। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और ये समय है प्रभु को दर्शनों का, और दर्शनों के लिए चलते हैं प्रभु के दाती धाम। नमो नारायण।
शनि देवा हरि ओम तत्सत् जय 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 शनि जय शनि देवा हरि ओम तत्सत् जय शनि देवा हरि ओम तत्सत् जय शनि देवा हरि ओम तत्सत् जय शनि देवा नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किए, प्रभु आपका कल्याण करे। भगवान शनिदेव आप पर मेहरबान रहे। प्रभु से मेरी प्रार्थना और मेरी कामना भी। गुरुवाणी में आज इतना ही। कल माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय बताऊंगा। जीवन मंत्र सुझाव देसी नुस्खे धन पर से उपाय। लेकिन आज अपनी गलती, अपनी गुनाह, अपनी भूल की क्षमा मांगते हुए अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूँ। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।